प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंकिता राय, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के गणित विषय के अध्याय 6 रैखिक असमीकरण लीनियर इनइक्वालिटीज का भाग 4 जानेंगे। बच्चों, यह जो भाग है इस अध्याय का अंतिम भाग है। इस भाग का जो चर्चा का बिंदु है वो है दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, भाग 4 शुरू करने से पहले भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3 में हमने क्या क्या जाना उसे दोहरा लेते हैं। बच्चों, भाग 1 में हमने जाना कि असमीकाएँ क्या होती हैं, किन चिन्हों का प्रयोग असमीकाओं में होता है। भाग 2 में बच्चों हमने एक चर राशि की रैखिक असमीका का बीजगणितीय हल तथा आलेखीय निरूपण जाना। भाग 3 में बच्चों हमने दो चर राशि की रैखिक असमीका का आलेखीय निरूपण जाना। आज भाग 4 में बच्चों हम दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल जानेंगे। बच्चों, भाग 3 में हमने दो चर राशियों की रैखिक असमीका का हल निकाला है, आलेखी निरूपण हमने देखा है। इसे बच्चों एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्योंकि इसी के की मदद से हम असमीका निकाय का हल जान पाएंगे, उनका आलेखी निरूपण किस प्रकार से होता है असमीका निकाय का उसे जान पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, 2x-3y > 6 को आलेखी विधि से हल कीजिए। इसे हल करते हैं और इसे और समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि किन किन स्टेप्स का, किन किन चरणों का पालन करते हैं जब हम दो चर राशि की रैखिक असमीका का आलेखी निरूपण करते हैं। तो बच्चों, दिया हुआ है 2x-3y > 6। क्या करते हैं पहला काम क्या करते हैं, जो भी हमारी दी हुई असमीका होती है उसको हम रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो ये किस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों, इसे 2x-3y = 6। इसे एक मान लेते हैं, इसे दो मान लेते हैं, यह हम पहला स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, दो बिंदु ज्ञात करना जिससे हमारी रेखा का निर्माण हो सके। तो दो बिंदु क्या कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, जब x = 0, सेकेंड क्या इम्प्लाई करेगा, यह टर्म 0 हो जाएगा, -3y = 6, या लिख सकते हैं y = 6/-3, या लिख सकते हैं y = -2। एक बिंदु हमको मिल गया 0-2, इस बिंदु से होकर हमारी रेखा गुजर रही है, एक बिंदु हमें मिल गया। दूसरा बिंदु ज्ञात करते हैं बच्चों, जब y = 0 रखेंगे तो 2 क्या इम्प्लाई करेगा बच्चों, 2 इम्प्लाई करेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, 2x = 6, या x = 6/2, या x = 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक दूसरा बिंदु हमको मिल जाएगा 3, 0। देखिए x = 3, y = 0, हमको क्या हो गया, दूसरा बिंदु भी हमें ज्ञात हो गया 3, 0। दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, उस बिंदु को कार्तीय तल में निरूपित करना। तो चलिए कार्तीय तल बना लेते हैं बच्चों। इसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहते हैं, इसे वाई डैश कहते हैं। जहां एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे हम ओ से निरूपित करते हैं, यही हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है बच्चों। तो चलिए -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से हमने अपना कार्तीय तल निरूपित कर लिया, बना लिया कार्तीय तल को। अब क्या करते हैं, दोनों जो बिंदु है जिससे हमारी रेखा होकर गुजर रही है उन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, कार्तीय तल में निरूपित करते हैं। तो चलिए, पहला बिंदु हमारा है 0-2, यानी एक्स अक्ष पे 0, वाई पे -2, यह बिंदु होगा 0-2। दूसरा बिंदु हमारा है
3 0 3 0, यानी x पे 3, y पे 0, यह बिंदु होगा हमारा 3 0। निरूपित करने के बाद जो चौथा स्टेप करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, रेखा का निर्माण करते हैं। रेखा का निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, अपने असमिका पर जाते हैं। यदि हमारी असमिका में लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह होता है तो खंडित रेखा के रूप में या बिंदुवत रेखा के रूप में रेखा का निर्माण करते हैं। यदि हमारी असमिका में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह होता है तो गहरी लाइन की रेखा बनाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह है तो हम किस प्रकार से इस रेखा का निर्माण करेंगे बच्चों, खंडित रेखा के रूप में करेंगे। इस तरह से बच्चों, खंडित रेखा के रूप में अपनी रेखा का बच्चों निर्माण हमने कर लिया, खंडित रेखा के रूप में। या कौन सी रेखा है बच्चों, यह रेखा है 2x - 3y = 6। अब देखिए बच्चों, इस रेखा ने क्या किया, इस कार्तीय तल को ऊपरी अर्धतल तथा निचले अर्धतल में विभाजित कर दिया, दो अर्धतल में बच्चों विभाजित कर दिया। अब हमें यह ज्ञात करना है कि कौन सा अर्धतल हमारी असमिका का हल क्षेत्र है। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु जो हमारी रेखा पर स्थित ना हो, तो देखिए बच्चों, मूल बिंदु, हमारी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजर रही है, उसे हम अपनी असमिका में संतुष्ट करा के देखते हैं। चलिए, तो मूल बिंदु को असमिका को एक माना है, एक से संतुष्ट कराने पर क्या मिलेगा बच्चों, देखिए x बराबर 0, y बराबर 0 पुट करना है तो 2 × 0 - 3 × 0 = 6, या लिख सकते हैं 0 = 6, या क्या है, असत्य है। शून्य जो है वह 6 से बड़ा नहीं होता है, यह असत्य है। तो जब बिंदु संतुष्ट नहीं करता है तो वह अर्धतल जिसमें वह बिंदु नहीं है, तो देखिए इस अर्धतल, ऊपरी अर्धतल में बिंदु है, मूल बिंदु हमारा है, तो यह निचला अर्धतल क्या होगा, हमारी असमिका का हल क्षेत्र होगा। बच्चों इसे हमने भाग 3 में जाना था, इसे हमने दोहरा लिया। क्यों दोहराया, क्योंकि इसी की सहायता से हम असमिका निकाय का आलेखीय निरूपण को जान पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों इसी क्रम में। दो चर राशियों की असमिका निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों पहले हम जान लें कि दो चर राशियों की असमिका निकाय होती क्या है। तो देखिए बच्चों, जब कभी भी दो चर राशियों की असमिका एक साथ एक से अधिक दी हो, जैसे यहाँ पे देखिए, यह एक असमिका है, फिर यह एक असमिका है, यह एक असमिका है, एक से अधिक है, तीन है ना, तो जब एक से अधिक असमिका एक साथ दी हो दो चर राशियों की, तो उसे हम कहते हैं दो चर राशियों की असमिका निकाय। इसी का हल हमें जानना है, आलेखी निरूपण बच्चों जानना है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, जैसे असमिका निकाय है तो हमेशा क्या दी रहेगी बच्चों, एक से अधिक असमिकाएं एक साथ दी रहेंगी दो चर राशियों की। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें इसी उदाहरण में ये दे दिया होता बच्चों, तो हम इसे अपने कार्तीय तल में निरूपित करके इसका हम हल क्षेत्र ज्ञात कर लेते। यदि ये भी दे दिया होता, सेकेंड नंबर जो है x > 1, ये भी दे दिया होता तो इसे भी हम अपने कार्तीय तल में निरूपित करके इसका हल क्षेत्र ज्ञात कर लेते। यदि ये भी दे दिया होता y > 2, तो इसे भी हम क्या करते, अपने कार्तीय तल में निरूपित करके उसका हल क्षेत्र ज्ञात कर लेते। लेकिन यहाँ पे बच्चों तीनों दे दिया है, क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, एक बार में एक असमिका लेंगे, उसे जो हम जानते हैं दो चर राशियों की असमिका का हल क्षेत्र ज्ञात करने की विधि जानते, उसी विधि से एक पहले वाले को लेंगे और क्या करेंगे, उसे कार्तीय तल में निरूपित करके उसका हल क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, दूसरा लेंगे, दूसरे को भी हम क्या करेंगे, उसी नियम से उसी कार्तीय तल में जिसमें पहले को हमने निरूपित किया था, उसी कार्तीय तल में बच्चों निरूपित करके उसका हल क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। फिर बच्चों तीसरा लेंगे, तीसरे को भी बच्चों उसी कार्तीय तल में जिस कार्तीय तल में हमने पहले तथा दूसरे को निरूप का हल क्षेत्र ज्ञात किया है, उसी कार्तीय तल में इसे उसे निरूपित करके उसका हल क्षेत्र
ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जब तीनों का हमें हल क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा तो वह उभयनिष्ठ हल क्षेत्र खोजेंगे जो तीनों के लिए हो, यानी इसका हल क्षेत्र भी हो, इसका हल क्षेत्र भी हो, इसका हल क्षेत्र हो, तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र खोजेंगे और उसे हम क्या करेंगे, उसे ही कहेंगे अपनी असमिका निकाय का हल क्षेत्र। तो बच्चों हमने एक साधारण भाषा में समझ लिया, चलिए इसे हम उदाहरण से करके देखते हैं। तो बच्चों दिया है उदाहरण, निम्नलिखित असमिका निकाय 5x plus 4y is less than equal to 20, x is greater than equal to 1, y is greater than equal to 2 को आलेखी विधि से हल कीजिए। तो क्या कहा था बच्चों, मैंने कहा था पहले हम पहली असमिका उसको ले लेते हैं बच्चों। तो ले लिया बच्चों पहली असमिका हमारी 5x plus 4y is less than equal to 20, इसे 1 मान लेते हैं। और क्या करेंगे, इसको पहले हम अपने कार्तीय तल में निरूपित करेंगे। तो चलिए करते हैं, पहला काम क्या करना रहेगा, इसे हम समीकरण बना लेंगे यानी रेखा के रूप में लिख लेंगे 5x plus 4y is equal to 20, इसे दूसरा मान लिया बच्चों। दो बिंदु ज्ञात करना है जब x बराबर 0, 2 imply 4y is equal to 20 या y is equal to 20 by 4 या y is equal to 5, यानी एक बिंदु हमको मिल गया 0, 5 एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु ज्ञात करते हैं जब y बराबर 0, y बराबर 0 2 implies क्या करेगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, 5x is equal to 20, x is equal to या लिख सकते हैं x is equal to 20 by 5 या x is equal to 4। क्या क्या बच्चों, हमने दूसरा बिंदु भी ज्ञात कर लिया 4, 0, इसे हम क्या करते हैं, दूसरा बिंदु भी हमें ज्ञात हुआ, इसे हम क्या करते हैं अपने कार्तीय तल में निरूपित कर लेते हैं बच्चों। चलिए अपना कार्तीय तल बनाते हैं। x x डैश कहते हैं इसे, y y डैश कहते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वही मूल बिंदु होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। बच्चों पहला जो बिंदु था हमारा 0, 5, यानी x पे 0, y पे 5, यह बिंदु है हमारा। दूसरा जो बिंदु था हमारा 4, 0, x पे 4, y पे 0, 4, 0, यह बिंदु है। यह बिंदु है हमारा 0, 5, यह बिंदु है हमारा 4, 0। हमने निरूपित कर दिया बच्चों, अब हमें रेखा बनाना है। चूँकि हमारी असमिका में बच्चों लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, तो हम जो रेखा का निर्माण करेंगे उसे गहरी लाइन के रूप में बनाएंगे बच्चों। तो हमने गहरी लाइन के रूप में इस प्रकार से बच्चों बना लेते हैं, देखिए यह हमने अपनी रेखा का निर्माण कर लिया। ये कौन सी रेखा है बच्चों, 5x plus 4y is equal to 20, यही रेखा है बच्चों। इसका अब हल क्षेत्र ज्ञात करना है। हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, एक बिंदु जिससे होकर हमारी रेखा ना गुजरती हो, तो देखिए मूल बिंदु से होकर हमारी रेखा नहीं गुजर रही है, तो मूल बिंदु को हम संतुष्ट करा के देखते हैं। तो 0, 0 को 1 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा बच्चों, यहाँ जब x बराबर 0 रखेंगे तो वह या होल टर्म 0 हो जाएगा, y बराबर 0 या होल टर्म हो जाएगा 0, यानी 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, या लिख सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू 20। यह क्या है बच्चों, सत्य है। शून्य जो होता है वह 20 से छोटा होता है, यह सत्य है। तो जब बिंदु सेटिस्फाई करे तो वह अर्धतल जिसमें बिंदु स्थित हो, तो इस अर्धतल में, निचले अर्धतल में बच्चों यह बिंदु मूल बिंदु स्थित है, तो इस प्रकार से यह जो होगा इस असमिका का हल क्षेत्र होगा। बच्चों हमने अपनी पहली असमिका का हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया, अब चलते हैं दूसरी असमिका पे। तो बच्चों दूसरी असमिका का हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं।
दूसरी असमिका है बच्चों हमारी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसे हम रेखा बनाएंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 हमारी रेखा जो है x इज इक्वल टू 1 से होकर जो जाती है हमारी रेखा, जहाँ तो इसे हम इस प्रकार से बनाएंगे। क्यों मैंने गहरी लाइन खींची बच्चों, क्योंकि हमारी असमिका में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है, इसलिए गहरी लाइन खींची। यह कौन सी रेखा है बच्चों, x इज इक्वल टू 1 है। x इज इक्वल टू इस असमिका का हल क्षेत्र बच्चों ज्ञात करने के लिए, देखिए इस असमिका का हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x जो है एक से बड़ा या बराबर। तो देखिए इस साइड में जो हमारा दाहिना अर्धतल है, दाया अर्धतल में जो है हमारा क्या होगा, x जो होगा एक से बड़ा या बराबर होगा, तो यह जो अर्धतल है इसका हल क्षेत्र होगा। अब आते हैं बच्चों तीसरे पे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसे हम रेखा बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 2। जो इस रेखा को हम इस प्रकार से बना लेंगे, क्यों का गहरी काली रेखा बच्चों हमने खींचा, गहरी काली रेखा इसलिए बच्चों खींचा कि हमारी असमिका में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह था। तो देखिए बच्चों अब इसका हल क्षेत्र ज्ञात करना है, तो y 2 से बड़ा या बराबर, यानी ऊपरी अर्धतल में बच्चों हमारा y जो है 2 से बड़ा या बराबर होगा। तो इस प्रकार से इसे हम बच्चों इसका हल क्षेत्र को हम छायांकित कर लेंगे। अब बच्चों हमने क्या किया, पहली असमिका, दूसरी असमिका, तीसरी असमिका, तीनों का हमने हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई उभयनिष्ठ भाग है। देखिए बच्चों पहली जो असमिका का हल क्षेत्र था वो यह था, दूसरी जो असमिका थी उसका हल क्षेत्र यह था, तथा तीसरी जो है उसका यह था। यानी अगर इस त्रिकोणे को आप देख रहे हैं, मैं एक बार गाढ़ा कर देती हूँ, इस त्रिकोणे को आप देखिए, अगर नाम लिखना चाहे तो इसे लिख सकते ए बी सी, ए बी सी, यहाँ ये बिंदु ए बी सी जो है वह जो है तीनों असमिकाओं के लिए उभयनिष्ठ भाग है, हल क्षेत्र का उभयनिष्ठ भाग है। तो हम क्या कह देंगे कि ए बी सी दी गई असमिका निकाय का हल क्षेत्र होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने एक प्रश्न देखा और उसका आलेखी निरूपण कर लिया हमने एक असमिका निकाय का। तो चलिए इसे और समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, एक और उदाहरण से इसे और समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित असमिका निकाय x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, वाई इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को आलेखी विधि से हल कीजिए। इसे हल करना वही काम करेंगे, पहली असमिका को निरूपित करके उसका हल क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, दूसरी असमिका का हल क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, तीसरी असमिका का हल क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, फिर सभी का हल क्षेत्र ज्ञात करने के बाद उभयनिष्ठ जो हल क्षेत्र होगा उसे हम देखने की कोशिश करें, उसे ही हम क्या कहेंगे, अपनी असमिका निकाय का हल क्षेत्र कहेंगे। तो चलिए पहला काम क्या करते हैं हम, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, इसे 1 मान लेते हैं, इसे पहले निरूपित करते हैं। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यह क्या हो गया, इसका रैखिक समीकरण बना लिया हमने। जब x बराबर 0, इसे 2 मान लेते हैं बच्चों, 2 इंप्लाई क्या कर देगा, y बराबर 4, यानी एक बिंदु हमको मिल गया 0, एक बिंदु बच्चों हमको मिल गया, एक बिंदु बच्चों हमें मिल गया 0 4। जब y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 2 इंप्लाई करेगा x बराबर 4, यानी एक बिंदु हमको मिल गया 4 0। इसे हम क्या करते हैं, अपने कार्तीय तल में निरूपित करते हैं बच्चों। पहले कार्तीय तल बनाते हैं, इसे x अक्ष कहते हैं, इसे x डैश कहते हैं, इसे y कहते हैं, इसे y डैश कहते हैं, दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं वह हमारा मूल बिंदु होता है। इसे O से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4,
माइनस फोर, ये माइनस है माइनस फोर। अब बच्चों क्या करते हैं, पहला बिंदु हमारा क्या है, जीरो फोर, यानी एक्स पे जीरो वाई पे फोर, जीरो फोर यह बिंदु हो गया हमारा जीरो फोर, या जीरो फोर हो गया। दूसरा बिंदु है हमारा फोर जीरो, एक्स पे फोर वाई पे जीरो, फोर जीरो। अब हमें अपनी रेखा का निर्माण करना है, चूंकि असमिका है, हमारी असमिका में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, गहरी लाइन के रूप में बच्चों इसका निर्माण करेंगे। अब हमें हल क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चलिए फिर देखिए, शून्य शून्य से होकर हमारी रेखा नहीं गुजर रही है, शून्य शून्य को सेटिस्फाई करा के, संतुष्ट करा के देखते हैं। मूल बिंदु को एक से संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने में क्या होगा, जीरो प्लस जीरो, एक्स बराबर जीरो करना है, वाई बराबर जीरो करना है, जीरो प्लस जीरो इज लेस देन इक्वल टू फोर, यानी जीरो इज लेस देन इक्वल टू फोर, यह क्या है, सत्य है। शून्य जो होता है बच्चों वह चार से छोटा होता है, तो जब संतुष्ट करता है तो वह भाग जिसमें वह बिंदु स्थित हो, तो देखिए यह भाग, इसी में मूल बिंदु हमारा स्थित है, तो यह भाग हमारी इस असमिका का हल क्षेत्र होगा। यह रेखा कौन सी बच्चों थी, यह रेखा थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, यह रेखा थी। अब आते हैं बच्चों दूसरी असमिका को लेते हैं, चलिए दूसरी असमिका को लेते हैं। दूसरी असमिका है हमारी y इज ग्रेटर देन x, इसे हम क्या करते हैं बच्चों, तीन मान लेते हैं, पहले हमने एक और दो मान लिया, इसे तीन मान लेते हैं। इसे जब हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा। दो बिंदु ज्ञात करना है, जब x बराबर जीरो, इसे हम चार मान लेते हैं, फोर इंप्लाई, फोर क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, y बराबर जीरो। अब यहाँ पे एक बिंदु हमें मिल गया जीरो जीरो। दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम y बराबर जीरो नहीं पुट कर सकते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि जैसे ही y बराबर पुट करेंगे जीरो, फिर हमें वही बिंदु मिल जाएगा x बराबर जीरो, इसलिए हमें दूसरा बिंदु ज्ञात करना है, इसलिए हम कोई और पॉइंट रख के देखते हैं। तो चलिए x बराबर वन रख देते हैं, जब x बराबर वन, फोर क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, फोर इंप्लाई करेगा, जैसे ही x बराबर वन पुट करिए, y बराबर भी वन मिल गया, यानी दूसरा बिंदु हमको मिल गया वन वन। चलिए इसे अपने उसी कार्तीय तल में निरूपित करते हैं, तो यह हमारा शून्य शून्य है बच्चों, और वन वन यानी वन को बढ़ाइए थोड़ा सा, और ये हमारा वन वन पर है, वन वन छोटा छोटा लिख लेते हैं, वन वन हमने लिख दिया, इसी से होकर हमारी रेखा गुजरेगी। अब हमें अपनी रेखा का निर्माण करना है बच्चों, हमारी असमिका में ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे बच्चों, डॉटेड खंडित रेखा, देखिए मैंने खंडित रेखा का निर्माण इस प्रकार से कर दिया बच्चों। यह कौन सी रेखा थी, y इज इक्वल टू एक्स, इसके लिए अब हमें हल क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चलिए एक बिंदु लेते हैं जिससे होकर हमारी रेखा न गुजरती हो, तो देखिए मूल बिंदु से तो होकर हमारी रेखा गुजर रही है, तो हम कोई और बिंदु लेंगे, तो चलिए वन टू ले लेते हैं। पहले यह जान ले बच्चों कि यह वन टू जो बिंदु है वह कहाँ है, किस अर्धतल में, ऊपरी अर्धतल में कि निचले अर्धतल में है, देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए वन वन टू का मतलब x पे एक और y पे दो, वन टू, देखिए यह जो है हमारी जो बिंदु है ऊपरी अर्धतल में स्थित है, तो चलिए इसे संतुष्ट कराते हैं, वन टू को तीन माने थे, तीन से संतुष्ट कराने पर क्या होगा बच्चों, देखिए कराने पे क्या हो जाएगा, y बराबर हमको दो रखना है, दो, x बराबर एक रखना है, टू इज ग्रेटर देन वन, यह क्या है बच्चों, सत्य है, यानी हमारी जो असमिका है उस बिंदु से संतुष्ट हो गई है, यानी यह अर्धतल जो होगी हमारी असमिका का हल क्षेत्र होगा। इस प्रकार से हमने इसे छायांकित कर लिया। अब आते हैं बच्चों लास्ट पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इससे जब हम रेखा बनाएंगे बच्चों तो x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू जीरो यानी यही लाइन है बच्चों, देखिए इसे ही हम डार्क कर लेते हैं, x इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों इसके लिए जब x क्या है जीरो से
बड़ा या बराबर, देखिए ज्ञा दाहिने अर्धतल में जो हमारा होगा एक्स जो होगा जीरो से बड़ा या बराबर होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने तीनों असमिकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया, देख लिया कि कौन से हल क्षेत्र हो। अब देखते हैं बच्चों कि क्या कोई उभयनिष्ठ भाग हमें मिल रहा है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मिल रहा है। देखिए बच्चों पहली जो असमिका थी उसका जो हल क्षेत्र था, जो हमारी पहली असमिका का हल क्षेत्र था वो था ये, देखिए ये था। दूसरी जो असमिका थी उसका जो हल क्षेत्र था वो ऊपर है, और तीसरी के लिए ये था। अगर हम ध्यान से बच्चों देखें, बहुत ध्यान से देखें, अगर आपको डार्क कर दूं मैं, ये देखिए ये जो ये लाइन, ये लाइन और ये क्या है बिंदुवत लाइन, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है ओ ए बी, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है वह क्या है तीनों असमिकाओं का कॉमन उभयनिष्ठ भाग है हल क्षेत्र का। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम कि ओ ए बी दी गई असमिका का असमिका निकाय का हल क्षेत्र होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने एक और प्रश्न देखा और इसे समझने का प्रयास किया। बच्चों इसी के साथ यह जो अंतिम भाग था वह समाप्त होता है, और इस पे आज जो हमने पढ़ा उस पे आधारित बच्चों मैंने प्रश्न दिया है, इसे आप घर पे करेंगे और इसे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों इसी के साथ जो यह अध्याय था रैखिक असमिकाएं लीनियर इनइक्वालिटीज समाप्त होता है। धन्यवाद।